हेलो फ्रेंड, नमस्कार, प्रणाम। मैं रानी यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रानी ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और मैं यहाँ पर सब्जी काट के डाल देती हूँ। यहाँ एक तरफ गैस पे दूध रखी हूँ और एक तरफ दाल रखी हूँ। दाल में सब्ज़ी भी डाली हूँ, इसलिए डाली हूँ थोड़ा और एनर्जेटिक हो जाएगा। बाबू के लिए बन रहा है तो उसमें बोड़ा या फिर कोई भी सब्ज़ी ऐसा रहता है उसको ज़रूर डाल देती हूँ। यहाँ मैं आप लोग से हंस के प्याज दिखा रही हूँ। आप लोग सोचेंगे क्या दिखा रहे हैं, अंडा है, प्याज है, क्या है? तो ये प्याज है गाइस। और प्याज मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे वहाँ बनने वाला है आज कढ़ी और चावल। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हस्बैंड बोले हैं कढ़ी चावल ही बना लो। और हम लोग के वहाँ अक्सर हफ्ते दो हफ्ते में कढ़ी चावल गर्मियों में बन ही जाता है, अच्छा भी लगता है। तो कढ़ी चावल बनाने से पहले जो भी उसका मटेरियल तैयार करना होता है उसको मैं तैयार करने के लिए वही प्याज, हरा मिर्च और लहसुन काटूँगी पकौड़े में डालने के लिए, क्योंकि अब तो पकौड़े कोई भी सिंपल नहीं बनाता है, जिससे थोड़ा उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। आप सभी को पता है ही कि अब सिंपल वाला ज़माना गया। जब दादी लोग हम लोग की बनाती थी, मतलब मम्मी लोग बनाती थी दादी लोग वाले ज़माने में, तो सिंपल वाला बनता था। लेकिन अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबका ज़माना अलग अलग होता है। उस समय वही वाला अच्छा लगता था कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो दादी लोग को वही वाला पसंद था, बनता था, मेरी मम्मी लोग बनाती थी, बहुत ही टेस्टी होता था। लेकिन अब तो इतना कुछ डालने के बावजूद भी उतना टेस्टी नहीं हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें पेस्टिसाइड हो गई हैं और परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग जान ही सकते हैं, यहाँ मेरे हस्बैंड पकौड़े खाने के लिए एकदम परेशान हैं कि नहीं जल्दी से मुझे पकोड़े दे दो, अगर बन गया हो तो जल्दी दो मुझे। मैं बोली कैसे बन गया है यार, एकदम बोले हैं गैस तेज़ करो। देखिए मैं गैस कितना तेज़ करके पकोड़े डाली हूँ ऑयल में होने के लिए, जबकि ये सही नहीं है। देखिए फिर कम भी कर रहे हैं क्योंकि जल जाता है, ऊपर ही ऊपर हो नहीं पाता। देखिए आ भी गई है, बोल रहे हैं कि मुझे जल्दी दो जल्दी दो। जब भी मैं बनाती हूँ कढ़ी चावल तो इनका पकौड़े के लिए तो एकदम 50 चक्कर ही किचन में आएंगे जाएंगे, हो गया हो गया हो गया, मतलब 50 चक्कर नहीं, आप लोग समझ सकते हैं, दो चार चक्कर ही कोई आ जाता है और बोलता है हो गया तो लगता है यार और नहीं हो रहा है, कितना भारी भारी सा लगता है, जल्दी होता ही नहीं है जब जल्दी कोई मचाता है तो। तो ये देखिए मैं यहाँ इनको कुछ बोल रही हूँ, बोल ये रही हूँ कि ठीक है बड़े से प्लेट में आपको निकाल के दे देती हूँ, यही जो कढ़ाई का प्लेट में इसमें दे दे रही हूँ। अगर आप इतना बोल, या मैं पकौड़े दिखा बोल रहे हैं कि जल्दी जो जल्दी से दो मुझे दिखाओ मत, तो मैं बोली कि अच्छा ठीक है, हाथ जल जाएगा, आप टच मत करिए, टच करने जा रहे थे। बोले कटोरे लेके आइए फिर दे देती हूँ, प्लेट लेके आए हैं उसी में दी हूँ इनको, दी नहीं हूँ इनको, खुद बोले ले लीजिए, गर्म था ये हाथ डाल रहे थे उसमें, सोचिए इनका हाथ जल जाता कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा मना क्यों बोली, नहीं प्लेट लेके आइए नहीं तो हाथ जल जाएंगे, हाथ में खाते तो चल ही जाता। यहाँ मैं फिर दूसरी बार डाल रही हूँ पकौड़े होने के लिए ऑयल में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बनता है, उस तरह भी लोग खाते हैं, कुछ कढ़ी में पड़ता है कुछ उस तरह खा लेते हैं लोग, तो दोनों तरह के लिए बनाना पड़ता है ना, कि आधा तो उसी तरह ख़त्म हो जाता है। सबके घरों में यही होता होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जब भी कढ़ी वगैरह बनता है तो पकौड़े तो उसके आधा उसी तरह खा जाते हैं लोग। यहाँ देखिए खड़े होकर खा रहे हैं, बोले रानी खाओगी? मैं बोली नहीं नहीं मैं नहीं खाऊँगी, क्योंकि खाना जूठा हो जाता है और लक्ष्मी जी के लिए भी रखना होता है गाय जी, सबको पता है। तो बोले मुँह में खाने से कैसे जूठा हो जाएगा, बोल नहीं जूठा हो जाता है। यहाँ मैं देखिए बेसन को घोल बना के रख ली हूँ पतला सा, और इसलिए घोल बना के रख ली हूँ क्योंकि अभी जब तड़का हम लोग लगाएंगे तो तड़का जल ना जाए, और जब तक बेसन का घोल बनाएंगे तो फिर ऐसा ना हो कि तड़का मेरा जल जाए, तो पहले उसी को मैं घोल के रख ली हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। अभी आप लोग देखेंगे कि तड़के में मैं लहसुन और सूखा मिर्च, देखिए दिखाने भी ला रही हूँ आप लोगों से कि लहसुन है, सूखा मिर्च है और कड़ी पत्ता है। तो हम लोग के वहाँ ऐसे ही बनता है यहाँ, लेकिन अब सब जगह ऐसे ही बनता है, लहसुन सूखा मिर्च और कड़ी पत्ता ही पड़ता है। बस यही है कि यहाँ मेथी से तड़का दिया जाता है, हम लोग के वहाँ मायके में जो है जीरा से तड़का दिया जाता है। तो यहाँ मैं हींग डाली हूँ और थोड़ा सा मेथी डाल के तड़का दी हूँ, और उसके बाद लहसुन
सूखा मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। गैस कड़ी पत्ता मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि कड़ी पत्ता आप ज़रूर यूज़ किया करिए, दाल के तड़के में भी यूज किया करिए, क्योंकि उससे बाल वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल तो असमय बाल जो है ग्रे हो जा रहे हैं, पक जा रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अब मिले ना मिले, लेकिन जो लिखा रहता है साइंस में वो ज़रूर आदमी थोड़ा सा फॉलो कर लेता तो सही रहता है। और यहाँ मेरा तड़का भी हो गया, मैं डाल दी हूँ जो घोल बना के रखी थी उसको, उसमें दाल डाल दी हूँ। अब ऑलमोस्ट मेरा खाना बन ही गया है, क्योंकि अब बस मुझे चावल रखना है। आप तो देख सकते हैं, तो मैं यही बता रही थी। और गैस कभी भी यहाँ मैं हल्दी डाल रही हूँ, और मैं खटाई भिगो के रखी हूँ सूखा वाला आम, आमचूर नहीं सूखा वाला आम, दो तरह का आता है ना, एक आमचूर पाउडर आता है, एक सूखा वाला आम आता है। इसको आम को काट करके सूखा लीजिए सिंपल, उसमें कोई मसाला वगैरह नहीं पड़ता है, तो वही वाला डाल दें। क्योंकि मेरे वहाँ जो है दही वाला कढ़ी किसी को नहीं पसंद है, मीन्स ससुराल में ही हूँ मैं, तो यहाँ दही वाला कढ़ी कोई नहीं खाता है, वही आम वाला ही कढ़ी सबको मिलता है, तो यहाँ उसी हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है। मैं तो हर चीज़ खा लेती हूँ, भगवान अच्छा हुआ मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। यहाँ मैं चावल धुल के रखने जा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, खाना बनाने का भी अलग ही मज़ा है, खाने का भी अलग मज़ा है, और गर्मी में तो हर तरह से मज़ा है वो देख के ही लग रहा होगा। थोड़ा सा यही कहिए कि विंडो थोड़ा बड़ा है, तो हवा वगैरह आता जाता रहता है। अभी तो दोनों तरफ का विंडो खोल दें तो और अच्छा वेंटिलेट होता रहता है, लेकिन इतना में बहुत अच्छा हवा धीरे धीरे आ रहा था। बाहर हवा चलता है तो आता, नहीं चलेगा तो कहाँ से फिर आएगा। यहाँ मैं कुकर को बंद कर दे रही हूँ जल्दी से, जिससे कि मेरा चावल भी जल्दी से हो जाए, और थोड़ा सा जाके फिर फ़ैन के पास बैठूँगी, जिससे मुझे गर्मी से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उस तरह कहाँ रिलीफ मिलने वाला है, छत पे तो जाऊँगी नहीं। यहाँ कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे, माफ़ करिएगा आप लोग, बीच में मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा है, बच्चा मेरा आ गया था, तो मैं नहीं सोच, मतलब मुझे लगा है कि वॉइस ओवर करते टाइम वो बोलेगा तो बीच में उसकी भी आवाज़ जाएगी, तो फिर प्रॉब्लम होती है। मैं रुक गई थी यहाँ, और अब मैं देखिए क्या करने जा रही हूँ। आप लोग देखते रहिए, बस ब्लॉग में बने रहिए, पेशेंस रख के बने रहिए। आप लोग कुछ तो करते हुए दिखूँगी आप लोग को, और बक बक करते हुए ज़रूर दिखूँगी। यहाँ मैं बड़े जो रखी थी पकोड़े वो डाल रही हूँ, उसमें पकोड़े लास्ट में डालती हूँ। गैस कभी भी कढ़ी बनाते टाइम आप लोग नमक साथ में मत डालिएगा, गैस ऑफ करने के बाद ही नमक डालिएगा। देखिए मेरा फाइनल लुक कढ़ी का कैसा लग रहा है, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ मैं धनिया पत्ती डाल रही हूँ, और अगर आप लोग को भी अच्छा लग रहा हो देख करके तो कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बनाई हूँ तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। कौन अपने दही को खट्टा करता है, यही होता है ना मुहावरा। बनाई मुझे अच्छा ही लगी, लेकिन आप लोग का अच्छा लगना ज़रूरी है मेरे लिए, और मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं गाइस। आप लोग जिसको भी कढ़ी चावल खाना, सॉरी दही दही बोल रही हूँ, कढ़ी चावल खाना है वो आ जाइए। अगर नहीं पसंद है तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगली बार कढ़ी चावल बनाइएगा तो मुझे मत दिखाइएगा, लेकिन अक्सर लोगों को पसंद रहता है कढ़ी चावल, ऐसा नहीं है। और यहाँ मैं डिश वॉश करके, आप लोग सोच रहे हो नीचे क्यों झुक रही हैं, तो नीचे स्टैंड रखी हूँ, बर्तन स्टैंड एक नीचे भी है, तो कुछ बर्तन उसमें डाल देती हूँ, कढ़ाई वगैरह धुल के उसमें डाल रही हूँ। यहाँ स्लैब मैं साफ़ कर रही हूँ, साथ साथ में साफ़ हो जाता ज़्यादा सही रहता है। तो गाइज़ आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और माफ़ करिएगा कुछ गलत बोले हों।